गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 1.6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ए पावर ऑफ एम मल्टीप्लाई ए पावर ऑफ एन। अगर हमारे पास दोनों की देखो बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको राइट करेंगे ए पावर एम प्लस एन, पावर प्लस हो जाएगी। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, ए पावर ऑफ एम मल्टीप्लाई बेस डिफरेंट पावर सेम ए हो जाएगा, बेस को मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी और पावर हम सेम यूज करेंगे इसमें पावर एम। थर्ड, ए पावर ऑफ एम पावर एन, जो फॉर्मूला होगा पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको राइट करेंगे हम ए पावर ऑफ एम मल्टीप्लाई एन। नंबर 4 फॉर्मूला, ए पावर ऑफ एम अपॉन ए पावर ऑफ एन, तो हम इसको राइट करेंगे ए पावर ऑफ एम मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जो ए पावर ऑफ एन है ऊपर आएगी, इसको राइट करेंगे पावर माइनस की हो जाएगी ए पावर ऑफ एन। अब इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस इफ करें तो पावर प्लस हो जाती है लेकिन नेगेटिव साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे हम ए पावर ऑफ एम माइनस एन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, इफ ए पावर ऑफ जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1। नेक्स्ट है नंबर 6, ए पावर ऑफ माइनस एन, ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन ए पावर ऑफ एन। अपॉन में पावर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और अपॉन से ऊपर जाएगी तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं ऑलवेज, कहने का मतलब। 7 फॉर्मूला हमारे पास, ए अपॉन बी, अगर उसकी पावर नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, ए अपॉन बी को कर देंगे बी अपॉन ए और पावर कर देंगे पॉजिटिव। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 पावर ऑफ 1/2, सेकेंड 32 पावर ऑफ 1/5। तो 1/1 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट 64 पावर ऑफ 1/2, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 64 की फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड 32, फिर अगेन 2 से डिवाइड 16, फिर 16 2 से अगेन डिवाइड 8 टाइम्स, फिर 8 2 से डिवाइड 4 टाइम्स, 4 अगेन 2 से डिवाइड 2 अगेन नंबर, तो 64 को हम राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 64 को हम राइट करेंगे 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 2 पावर ऑफ 6। बेस इक्वल है तो पावर सभी की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 पावर ऑफ 6। इसको राइट करेंगे 64 को 2 पावर ऑफ 6 पावर 1/2। अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, ए पावर ऑफ एम पावर एन, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई एम इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए 6 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 3 6 तो आ जाएगा 2 पावर ऑफ 3। 2 पावर ऑफ 3 को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 4 टू जा 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 32 पावर ऑफ 1/5, 32 पावर ऑफ 1/5 अगेन, अब इसको भी सिंप्लीफाई करने का वही है, 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे 32, 2 से डिवाइड 16 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड अगेन 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड 4, फिर अगेन 2 से डिवाइड 1,
तो 32 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 पावर ऑफ 5, और इसकी पावर एज इट इज 1/5। अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a पावर ऑफ m पावर n, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर ऑफ 1 मीन्स 2 आंसर। After that, we are discuss question number 2, find 9 power of 3 upon 2, 2, 32 power of 2 upon 5. So, solution देखते हैं इसका 1 by 1, first part, 9 power of 3 upon 2, same case, 9 के prime factor करेंगे हैं, 9, किससे divisible है ये, 3 से, 3 is 9, again, so 9 को हम write कर सकते हैं, 3 1 2 3 power of 2, and power इसकी सेम एज इट इज 3/2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, a पावर ऑफ m पावर ऑफ n, पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, m इंटू n, तो इसको राइट करेंगे 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3 पावर ऑफ 3 को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, दैट इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 32 पावर ऑफ 2 अपॉन 5, सेम केस, 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 32 के हमने प्राइम फैक्टर किए 32, 2 से डिविजिबल है 16 टाइम्स, अगेन ये 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स, अगेन ये 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स, ये अगेन 2 से डिविजिबल 2, और 2 अगेन 1 टाइम्स, तो 32 को हम राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर ऑफ 5, तो 32 को हमने 2 पावर ऑफ 5 राइट किया, और पावर इसकी एज इट इज 2/5। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, a पावर ऑफ m पावर ऑफ n, पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, लिमिट टू n, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, 2 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 पावर ऑफ 2, 2 पावर ऑफ 2 मीन्स 2 into 2, इट मीन्स 4 आंसर। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2 पावर ऑफ 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 1 अपॉन 5, सेकेंड क्वेश्चन, 1 अपॉन 3 पावर ऑफ 3 एंड होल पावर 7, 1 by 1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 2 पावर ऑफ 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 1 अपॉन 5, अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a पावर ऑफ m मल्टीप्लाई a पावर ऑफ m, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें बेस इक्वल है यहाँ पर 2, तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर पावर्स में हम एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, तो आएगा 15 एलसीएम, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, 5 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 2, प्लस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3, 3 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 5 2 10, प्लस 3 1 जा 3, अब 1 में 15, 10 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 13, 13 अपॉन 15, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2 पावर ऑफ 13 अपॉन 15। सेकंड क्वेश्चन, 1 अपॉन 3 पावर ऑफ 3 होल पावर 7, इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
a अपॉन बी पावर m, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं a पावर ऑफ m अपॉन b पावर ऑफ m, सेपरेट सेपरेट पावर अप्लाई कर देंगे, ऐसे यहां पर करेंगे अप्लाई, 1 पावर ऑफ 7, 3 पावर ऑफ 3 पावर ऑफ 7, देखिए सिंपलीफाई करिए इसको, 1 पावर ऑफ 7 मींस 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, तो 1 ही आएगा इसका रिजल्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, a पावर ऑफ m पावर ऑफ n, पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई m into n, ऐसे यहां पर अप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 1 अपॉन 7 3 जा 21, 3 पावर ऑफ 21, दैट इज आंसर। अब आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.6 की जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया उसके अलावा आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ